शांति, आज की तारीख है 24/8/2023, 24 अगस्त 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अव्यवचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। जब आप एक को याद करेंगे, एक की याद की लगन में मगन रहेंगे, एक शिव बाबा की याद में मगन, तो तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, किस बात की? एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाबा के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ साथ सभी को शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएँ आए, जहाँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा का निवास स्थान है, और सुखदाम आने वाले सत्ययोगी दुनिया का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। तुम्हारी एक आँख में तुम एक तरफ शिव बाबा को याद करते रहो, शांति धाम को याद करते रहो, दूसरी तरफ जीवन मुक्ति माना आने वाली सत्ययोगी दुनिया की याद में मगन रहो। गीत है आज की मुरली से, किसने ये सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाबा से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। शिव बाबा से बाबा का यह ज्ञान अच्छी तरह से समझकर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस वन, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। भटके हुए हैं इंसान आज, शांति की प्यास में, सुख की प्यास में भटक रहे इधर उधर, तो उन्हें सच्ची सच्ची मुक्ति माना शांति धाम परम धाम हमारे आत्माओं का जो घर है, उस घर की याद दिलानी है। जीवन मुक्ति आने वाली सत्ययोगी दुनिया की राह दिखानी है। दूसरी पॉइंट, एक शिव बाबा की अव्यवचारी याद में, उनकी एक शिव बाबा की याद के लगन में अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। एक शिव बाबा की याद में अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, अचल अडोल बनाना है, महावीर बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव। जब किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हो और कोई चीज़ ले लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में शिव बाबा से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वयं खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी समाप्त हो जाती है, तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो, तो विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे। न हर किसी में जब विशेषता के गुण को देखोगे, कोई ना कोई गुण को देखोगे, तो बाबा कहते हैं ऐसी लेन देन हर सेकंड करोगे तो विशेषताओं से संपन्न बन जाओगे। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी विशेषताओं के प्रयोग करो, अपने सात गुणों का प्रयोग करो, तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। आपको बाबा ने सात गुणों से संपन्न किया है, आपकी आत्मा को बाबा ने बताया आपकी आत्मा सात गुणों से संपन्न है, बस हम उसे भूल गए। तो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान सभी गुणों से संपन्न है, तो उन सभी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। अपनी आत्मा के सातों गुणों को जागृत करने के लिए, याद करने के लिए, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही शांत स्वरूप हूँ, मैं ही प्रेम स्वरूप हूँ, तो अपनी आत्मा को सातों गुणों से भरने के लिए मैं सतोगुणी आत्मा हूँ का अभ्यास करेंगे। एक मिनट के लिए शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर को याद करेंगे। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में स्थित मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, मेरा हर संकल्प
मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म पवित्रता से भरपूर है। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव से आती पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझे आत्मा से इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।